पीएम किसान सम्मान निधि 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। लो आ गई किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। जैसा कि अभी अभी आपने सुना 8.5 करोड़ किसान भाइयों को आज पैसा ट्रांसफर होने वाला है। दोस्तों 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आज ट्रांसफर होने वाले हैं दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों की खेती कृषि की कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है वो इस किस्त के जरिए अपना कार्य पूरा कर पाएंगे दोस्तों। ये किस्त 4,000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में दोस्तों ट्रांसफर की जाने वाली है, जिससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और अपने खेती के प्रयोग में ला सकेंगे दोस्तों। थोड़ा और इस न्यूज के बारे में दोस्तों डिटेल से जानते हैं। मेरे परिवारजनों, पहले किसानों की सूद कोई नहीं लेता था। हमने पीएम किसान सम्मान निधि इन मेरे शेतकरी भाई बहनों के लिए शुरू की। इसकी मदद से देश भर के करोड़ों छोटे किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपये दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अभी तक देश के करोड़ों किसान साथियों के खाते में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, 2,60,000 करोड़ रुपये की धनराशि अभी तक भेजी जा चुकी है दोस्तों, जिसका लाभ छोटे किसान भाई अभी तक उठाते आ रहे हैं। इस बार दिवाली से पहले किसान भाइयों के खाते में 4,000 रुपये की धनराशि भेजी जाने वाली है। तो किसान साथियों का इस किस्त का लाभ जल्द ही मिलने वाला है दोस्तों, इस न्यूज के माध्यम से जानेंगे। महासम्मान निधि योजना शुरू की है, इसके तहत 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहाँ के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिले। जी हाँ किसान साथियों, बिल्कुल सही आपने सुना, 6,000 रुपये सालाना नहीं बल्कि अब 12,000 रुपये सालाना आपको मिलने वाले हैं, यानी 4,000 तिमाही। इस दीपावली पे आपको 4,000 की 15वीं किस्त मिलने वाली है दोस्तों। तो ये थी कुछ अपडेट 15वीं किस्त को लेकर, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसी कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।